दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है यूनेस्को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे द्वारा जितने भी क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो मेरे चैनल से आराम से DSSP, NVS, KVS और UGC नेट की जो है तैयारी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये मेरा चैनल है। पूरे नाम की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन ये हिंदी में इसका नाम है। स्थापना की बात की जाए तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, UNO की धारा 57 के तहत इसको एक आधिकारिक एजेंसी जो है मान्यता प्राप्त है। मुख्यालय की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 193 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो वो है जूलियन हक्साले, जो 1946 से 1948 तक रहे थे, वो ब्रिटेन के थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो आंद्रे अजूले, जो कि 2017 से थे, वो फ्रांस के पूर्व वित्त मंत्री थे। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो इलाना बुकाओ, जो बुल्गारिया की थी, वो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। महत्वपूर्ण उपलब्धियों की बात की जाए तो इसकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में हमने जो है एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 27 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, और उद्घाटन इसका किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरी इसकी उपलब्धि है इंस्टॉक के बारे में आपको वीडियो दे दी जाएगी, अभी नहीं है मेरे चैनल पे। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, 1952 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगला जो है यानी कि थर्ड इसकी उपलब्धि है वो है PGI, और वो है GIP यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम, 1976 में आया था ये। स्थान था नैरोबी। 19वें अधिवेशन में कार्य का अधिवेशन सामान्य सूचना कार्यक्रम करता है ये। ठीक है, तो हमने अभी बात करी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, इंस्टॉक के बारे में, PGI और GIP के बारे में हमने बात करी है। अब हम बात करेंगे इसकी चौथी उपलब्धि के बारे में, जो कि है इंटरनेशनल बुक डे एंड कॉपीराइट डे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जो है पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, ये घोषणा हो गई थी 1995 23 अप्रैल को। ओके, अगला है हमारा यूनिसेस, यानी कि UNISISI, यूनाइटेड नेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये था हमारा 1971 से, 71 में देखो आया था, और 73 में ये जो कार्य करने लग गया था। एजेंसी की बात की जाएगी तो ICSU। ओके, और छठी इसकी उपलब्धि है CGSISIS, यानी कि कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, दोनों कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। अभी जो है मैंने सॉफ्टवेयर्स के लिए वीडियो डालना शुरू नहीं किया है, केवल संजय सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने वीडियोस डाला है, आगे आपको ये सॉफ्टवेयर्स भी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, सेवन्थ है बुक ओपन सिस्टम, 1948 में आया था। पुस्तकों के विकास हेतु प्रथम प्रयास जो है यही हुआ था, ओपन बुक सिस्टम आया था 1948 में। ठीक है, IFAP ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स, आपके जो है एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, IFA की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बताना है इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नाइन्थ की, जो नौवीं इसकी उपलब्धि है वो है CCF, यानी कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, 1948 में आया था। ठीक है, इसके ये जो है तीन पार्ट्स में आया था, एक तो आया था 1984 में, ठीक है, दूसरा आया था CCF फर्स्ट 1984, दूसरा आया था 1988 में,
तीसरा आया था 1992 में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दसवीं की, जिसका नाम है डिक्शनरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म थी, डिक्शनरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज है कि इसमें जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के बारे में भी बताया गया है 1949 में जो आया था। प्रथम संशोधन जब हम बात करेंगे तो 1972 में हुआ था। दूसरा और नवीनतम संशोधन जिसे कहा जाता है वो 1994 में आया था, ठीक है। आपके UGC एग्जाम 2018 में आया था कि पब्लिक मैनिफेस्टो में दूसरा और नवीनतम संशोधन कब किया गया था, तो दूसरा और जो नवीनतम संशोधन था वो 1994 में किया गया था। ये छोटा सा टॉपिक था यूनेस्को के बारे में, ये डन हुआ है। आपको कोई भी वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी कुछ दिनों में मैं एक हिंदी का चैनल भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें आपको हिंदी से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस दे दी जाएंगी, ठीक है। ये था यूनेस्को, और वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हिंदी के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट है जो आप ये चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियोस डालूं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी बताएं कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियो को कृपया करके पूरा का पूरा देखें, क्योंकि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दी जाएगी हर टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।